मनुष्य पांच पुतलों का, पांच तत्वों का पुतला और विनाशी, सृष्टि भी पांच तत्वों की है, वो अविनाशी कैसे? सृष्टि सिर्फ पांच जड़ तत्वों की ही सृष्टि नहीं कही जाती है। सृजन कार्य जो है वो सिर्फ जड़त्व से नहीं होता है। जड़ शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तब सृजन होता है। क्या सृजन करने के लिए एक नहीं चाहिए, सिर्फ जड़ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? चैतन्य भी चाहिए। इसलिए जड़ प्रकृति को कहा जाता है। प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति जड़त्वमयी है और बाप हमारा चैतन्य है। पुरुष और प्रकृति ये दोनों के मेल से सृजन कार्य होता है। तब दोनों जो मिले हुए हैं वो कभी अलग अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए? जड़ और चेतन इस सृष्टि पर कभी अलग अलग हो जाते हैं एक क्षण के लिए भी? अच्छा, परमधाम कभी खाली होता है चैतन्य आत्माओं से? है? खाली नहीं होता। ऐसे ही ये जो सृष्टि है उसमें कुछ आत्माओं का ऐसा पार्ट रोधा हुआ है कि वो इस सृष्टि रूपी मंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। रंगमंच को छोड़ती? छोड़ती नहीं है। आखिरी आत्मा जाएगी तो एक वहां से उतरेगी भी। इसलिए ये सृष्टि अनादि है, इसका आदि और अंत नहीं है। बल पांच प्रकृति के जड़ तत्व वो विनाशी है, रूप बदलते रहते हैं। ये सृष्टि भी रूप बदलती रहती है, परंतु चैतन्य आत्मा प्रवेश होने के कारण सदैव कोई एक क्षण ऐसा नहीं है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई चैतन्य आत्मा न रहे। इसलिए ये सृष्टि जो है अनादि है, क्योंकि सृष्टि सिर्फ जड़ से नहीं बनती या सिर्फ चैतन्य से भी नहीं बनती, दोनों के मेल को ही सृष्टि कहा जाता है।